क्या आप एक ऐसे क्रीचर के बारे में जानते हैं जिसके 4 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज हैं? ये हैं बीटल्स। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर स्पीशीज वाइज देखा जाए तो दुनिया का हर 5वां क्रीचर बीटल ही है। दुनिया के सबसे बड़ी स्पीशीज ऑफ बीटल्स हैं द टाइटन बीटल। ये 6.5 इंचेस तक लॉन्ग हो सकते हैं और पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील जैसी जगहों पे पाए जाते हैं। वही दुनिया के सबसे छोटे बीटल्स हैं फेदर विंग बीटल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.3 एमएम से 4 एमएम तक के हो सकते हैं और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बीटल्स की अलग अलग स्पीशीज बड़े कमाल की चीजें करती हैं, जैसे बॉम्बार्डियर बीटल वॉकिंग केमिकल लैब हैं। पता है कैसे? ये बीटल्स अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काफी फेमस हैं। ये अपने एब्डोमिन एरिया से हाइड्रोकिनोन और हाइड्रोजन पेराऑक्साइड नाम के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से इस तरह के हॉट स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है कि इसका टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शिकारियों को दूर तो भगाता ही है, बल्कि कई बार उन्हें जान से भी मार देता है। है ना अमेजिंग डिफेंस सिस्टम। डंग बीटल्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग। डंग बीटल्स नाम की ये स्पीशीज अपने वजन से 1141 टाइम ज्यादा वजन उठा सकते हैं, जो कि अगर किसी इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये 6 डबल डेकर बसेस के खींचने जितना ही भारी है। और ये छोटे से क्रीचर ये काम बड़े आराम से कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ बीटल स्पीशीज रिजेंबल ज्वेलरी। बीटल्स की बहुत सारी स्पीशीज विजुअली बहुत ही सुंदर होती हैं, इवन इतनी सुंदर कि इनसे ज्वेलरी बनाने के लिए भी रेफरेंस लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टनिंग द ज्वेल बीटल, गोल्डन टारगेट बीटल, स्टील ब्लू बीटल्स और ये प्योर गोल्ड के जैसे दिखने वाला गोल्डन ज्वेल स्कैरब। अब हमें पता है कि नेचर में हर एक क्रीचर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो है ही, तो चलिए देखते हैं कि बीटल्स का हमारे प्लेनेट पे क्या रोल है। बीटल्स टेक केयर ऑफ लाइफ स्टॉक्स। बीटल्स काउज, शीप एंड गोट्स जैसे एनिमल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। एक्चुअली ये एनिमल्स दिन भर में कई बार पूप करते रहते हैं और बीटल्स इन एनिमल्स की पूप को मैनेज करते हैं और सराउंडिंग्स को क्लीन रखने का काम भी करते हैं। अगर इस पूप को क्लीन नहीं किया जाए तो इसमें कई सारे टिक्स और फ्ली ग्रो होने लगते हैं, जो कि फिर इन्हीं एनिमल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। और बीटल्स इन एनिमल के पूप को स्कैटर कर देते हैं, जिससे फिर फ्लीज इन पे ग्रो नहीं कर पाती और ये एनिमल्स सेफ रह पाते हैं। बीटल्स आर ग्रेट फॉर रेन फॉरेस्ट। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि बीटल्स को देख के पता लगाया जा सकता है कि फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट की हेल्थ अच्छी है तो वहां बीटल्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ऐसा इसलिए है कि कई एनिमल्स जब कोई फ्रूट खाते हैं तो उस फ्रूट का सीड कई बार पचता नहीं है और वो सीड एनिमल्स के पूप में एज इट इज निकल जाता है, और जब बीटल्स उस पूप को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कई बार ये सीड सॉइल के अंदर तक पहुंच जाता है और फिर उससे ट्री या प्लांट उग जाता है। और इस तरह से बीटल्स फॉरेस्ट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स एंड रिसाइक्लर्स। बीटल्स की स्पीशीज जैसे कि बेस बीटल्स एंड रो बीटल्स नेचर में डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, जैसे कि वुड, डेड प्लांट्स या इवन छोटे छोटे क्रीचर को भी खा लेते हैं। तो बीटल्स नेचुरल क्लीनर्स भी होते हैं, जिससे फॉरेस्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो क्या आपको बीटल्स के बारे में इतना कुछ पता था? और क्या आपको पता था कि बीटल्स हमारे प्लेनेट में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नहीं ना? तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को जरूर बताइएगा कि बीटल्स कितने इंपॉर्टेंट क्रीचर्स हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीक।